नमस्कार। केटीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्तुति, और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फहराया 100 फीट ऊंचा झंडा, शहर में निकली विशाल तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस पर मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी ने किया ध्वजारोहण, पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। सावन के चौथे गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान की अर्धनारीश्वर स्वरूप में सजी झांकी। और शहर की अग्रणी शिक्षण संस्थाओं में हर्षोल्लास के साथ मना स्वतंत्रता दिवस समारोह। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया, शहर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। वाराणसी में आजादी का जश्न उल्लास पूर्वक मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाकर ध्वजारोहण हुआ। वहीं राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। उप मुख्यमंत्री ने देशवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय परिसर में यहाँ के सभी महान भावों की मौजूदगी में भारत की आन बान शान तिरंगा फहराया गया, राष्ट्रगान गाया गया। यह 78वां स्वतंत्रता दिवस है, बहुत ऐतिहासिक है, बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के उज्जवल भविष्य का बहुत बड़ा संदेश है। और आज ही के दिन काशी के लाडले सांसद देश के प्रधानमंत्री के रूप में 11वीं बार भारत दिल्ली में लाल किले से तिरंगा फहरा करके राष्ट्र को संबोधित करने का काम किया है। बधाई देते हैं और उनके संदेश का अनुसरण करेंगे, संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर कमिश्नर व जिलाधिकारी ने ध्वजारोहण किया और एक एक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के कमिश्नरी व जिलाधिकारी कार्यालय में झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कमिश्नरी में कौशल शर्मा ने झंडा फहराया, तो वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने झंडारोहण किया। इस दौरान राष्ट्रगीत के बीच देश की आन बान और शान तिरंगा को सलामी दी गई। वहीं कई स्कूल के छात्रों ने रैली निकाली और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से शहर गूंज उठा। इस अवसर पर कमिश्नर कौशल राज शर्मा एवं जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने एक एक पौधा लगाया और सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पर
पर मैं सभी काशीवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। हमारे वाराणसी मंडल के सभी नागरिकों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत देश बहुत मेहनत करके इतनी दूर पहुँचा है, अब विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है। उसी में सब लोग सहयोग करें, सब लोग एकजुट रहें, सब में एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना हो और उसी इंटीग्रेशन के माध्यम से हम लोग इस देश को और विकसित देश बनाएं। आजकल जैसा हर पड़ोसी देश में हो रहा है, जातिगत भावनाओं के नाम पे, धार्मिक भावनाओं के नाम पे या एक्सट्रीमिस्ट भावनाओं के नाम पे देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को अलग अलग समूहों में बांटने की कोशिश हो रही है। इन सभी षड्यंत्रों को हमें समझने की आवश्यकता है। देश जब भी तरक्की करता है तो उसके दुश्मन पैदा होते हैं, यही भारत देश के साथ हुआ है। अब उन लोगों की हम लोग बातों में ना आए, इस देश को हम इतनी दूर तक लेके आए हैं पिछले 77 सालों में, हमारी पीढ़ियों ने बलिदान दिए हैं और मेहनत की है, उनको व्यर्थ ना जाने दें। सभी लोग एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाएं, अफवाहों से बचें और ऐसी बातों से बचें जो भारत विरोधी हों, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐसे मैसेजिंग फॉरवर्डिंग, इन सब से बचें और कोशिश करें कि सारे लोगों को हम लोग एकजुट रखने में सहयोगी हों। एकजुटता की भावना हर शहर में हो, वाराणसी में, काशी में, तो स्पेशली बाकी भी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में भावना रखने की आवश्यकता है कि हमें षड्यंत्रों से बच के हमारे देश को विकसित बनाने की राह पे आगे बढ़ते जाना है। तो सभी अफवाहों से बचते हुए, सभी ऐसी भावनाओं से बचते हुए जो देश को तोड़ती हैं, उनसे बचते हुए हम देश को आगे लेके जाएं। और आज एक बहुत ही बढ़िया तिरंगा रैली वाराणसी में ऑर्गेनाइज की जा रही है, उसमें भी सभी लोग पार्टिसिपेट करें, तिरंगे के साथ सेल्फी लेनी है, उस सारे कॉन्टेस्ट से जुड़े, साथ ही साथ देशभक्ति के वो सारे कार्यक्रम करें जो देश को आगे ले जाने की राह चल रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, वह है प्यारा देश हमारा। आज ये राष्ट्रीय पर्व है, सभी जनपद वासियों को जिला प्रशासन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये मैं अपील करूंगा आप जहां भी हैं अपने स्तर से जितना हो सकता है कि अपने घर पे एक अगर तिरंगा जो अभियान को चल रहा है उसके तरह से झंडा आपके घर पर लगा के, या अगर गाड़ी यूज़ करते हो तो गाड़ी में लगा के भी आप इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। और आज एक बृहद रैली जिला प्रशासन द्वारा आयोजित की जा रही है, मैं सभी से अपील भी करूँगा आप प्रतिभाग करें। ये 10:30 बजे वहाँ हम लोग एकत्रित होंगे काशी विद्यापीठ से। इसकी ये आने वाले पीढ़ियों के लिए ये भावना हमको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता आज जिस हालत में हमारे देश, इसके लिए बहुत सारे लोग ने ये सारी कुर्बानियाँ दी हैं, और आने वाले पीढ़ियों को इस इतिहास के बारे में याद दिलाना और राष्ट्र करना करना सबकी जिम्मेदारी है। इसी क्रम में थैंक यू।
सावन के चौथे गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप में श्रृंगार हुआ। श्रावण मास में श्री देवगुरु बृहस्पति का चौथा हरियाली श्रृंगार कर बाबा की दिव्य झांकी सजाई गई। बाबा देवगुरु बृहस्पति को अर्धनारीश्वर स्वरूप में पालना पर सपरिवार विराजमान किया गया। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति जी का पंचामृत से स्नान कराते हुए 11 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन किया गया। स्वर्ण मुखौटा, छत्र चांदी व शेषनाग धारण करा के बाबा को पालना पर विराजमान किया गया। मंदिर परिक्षेत्र के मुख्य द्वार से लेकर परिक्रमा स्थल पुनः गर्भगृह तक अशोक पत्ती, कामिनी पत्ती एवं रंग बिरंगे वस्त्रों एवं विद्युत झालरों से पूरे प्रांगण को सजाया गया एवं रंग बिरंगे बर्फ की सीली और झरना लगाकर भी पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है, जिससे मंदिर परिक्षेत्र की छटा निखरी। प्रातःकाल 4 बजे से मंगला आरती अजय गिरी ने संपन्न कराया। संतोष गिरी द्वारा देवगुरु बृहस्पति को भोग अर्पित कर उनकी आरती उतारकर रुद्राभिषेक के साथ संपन्न किया गया। अभिषेक गिरी, अभय गिरी द्वारा भक्तों में प्रसाद वितरण कराकर कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आज किस तरह का दर्शन पूजन बाबा के चल रहा है? जैसा कि श्रावण मास के क्रम में हमारा जो है देव गुरु बृहस्पति का जो है प्रत्येक गुरुवार को जो है श्रृंगार की झांकी दिखाया जा रहा था, जिसमें कि सबसे पहला हमारा बाबा का श्रृंगार था हरियाली, दूसरा श्रृंगार जल विहार था, तीसरा फल श्रृंगार था। आज जो है हमारा चौथा और अंतिम श्रृंगार जो है देवगुरु बृहस्पति का जो है बाबा के अर्धनागेश्वर स्वरूप पालने पर सब परिवार के साथ विराजमान किया गया। इसके तत्पश्चात मंदिर के प्रांगण के चारों तरफ जो है झरना, फुहारा ये सब लगाया गया। उसके बाद रंग बिरंगे कपड़ों से सुशोभित किया गया। तत्पश्चात जो है विद्युत झालरों से सुशोभित किया गया। इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति के मुख्य द्वार से लेकर के ऊपर गर्भगृह तक आप देख रहे हैं कि बर्फ की रंगीन बर्फ की सिल्लियां लगाई गई हैं, जिसमें कि दर्शनार्थी जो है परिक्रमा करते हुए आगे पीछे करते हुए जो है ऊपर बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो गुरु जी क्या मिलता है फल श्रावण मास में इस बाबा के दर्शन? श्रावण मास में जैसे कि पहला जो श्रृंगार हम लोग करते हैं हरियाली, सावन महीना रहता है, सब हरा भरा रहता है, सबको बाबा खुश रखे, हरा भरा रखे। दूसरा श्रृंगार जल विहार का करता है, अगर कहीं अकाल या पानी का जो है कहीं कमी होता है, इसलिए हम दूसरा श्रृंगार करते हैं कि बाबा हर जगह वर्षा करके सब जो है किसानों से लेकर के गरीब जनताओं से लेकर के पूरे शहर में हर जगह जो है वर्षा करते रहे। तीसरा फल श्रृंगार हम लोग जो है इसलिए करते हैं कि जिन भी भक्त को मनोवांछित फल अगर पाने की इच्छा रहता है वो फल का श्रृंगार करते हैं, वो उनको जो है प्रसाद स्वरूप वितरण किया जाता है जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। चौथा श्रृंगार जो है बाबा का हम लोग करते हैं कि बाबा का विदाई का समय रहता है, इसलिए उनको सब परिवार के साथ पालने पर झुलाते हुए खूब धूमधाम से गीत महोत्सव के साथ उनका विदाई करके अंतिम उनका जो है श्रृंगार का समापन जो है हर्षोल्लास के साथ करते हैं। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में हर्षोल्लास पूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर देश के वीर सपूतों को नमन किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट शाखा में स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह पूर्वक मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद का आगमन हुआ। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। झंडोत्तोलन होते ही सभी ने एक स्वर में राष्ट्रगान गाया। बच्चों ने परेड और मार्च पास्ट कर झंडे को सलामी दी। अपने संबोधन में प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने सभी बच्चों को देश हित में लगन के साथ कार्य करने का संकल्प दिलाया।
साथ ही देश की आज़ादी में वीर सपूतों के योगदान पर चर्चा करते हुए उन्हें नमन किया। इस अवसर पर पूरे विद्यालय प्रांगण की तिरंगे झंडे और फूलों से आकर्षक सजावट की गई थी। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इसी कड़ी में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात सभी ने राष्ट्रगान गाया। देश की आन बान और शान तिरंगे को सलामी दी गई। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। विविधता में एकता के रंग बिखेरते हुए अलग अलग प्रतीक के लोग नृत्य प्रस्तुत कर बच्चों ने खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षक, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले डेफिनेट टेंडर्स यादव सर, हमारे समर्पित शिक्षकगण, इस कार्यक्रम को तैयार करने वाले एक सक्रिय शिक्षकों का समूह। प्रकृति के हरितिमापूर्ण श्रृंगार का प्रतीक है सावन महीना। बच्चों ने सावन में होने वाली सभी प्रकार की सकारात्मक क्रियाविधियों, धार्मिक पवित्रता के साथ सावन महोत्सव में
समाहित करने का प्रयास किया है। मैं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में आयोजित इस कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देता हूं। इसी कड़ी में स्वामी हरिशंकरानंद जी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। इस अवसर पर सभी मेडिकल स्टाफ के बीच बाबा प्रकाश ध्यानानंद द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद सभी ने राष्ट्रगान गाया और तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर अस्पताल के सभी चिकित्सा नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। विद्यार्थियों ने विविध कार्यक्रमों के माध्यम से देशभक्ति की भावना को व्यक्त किया। केयर एंड करियर स्कूल की मंडवाड़ी शाखा में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही जोश उमंग व उत्साह के साथ भव्य रूप से मनाया गया। सर्वप्रथम केयर एंड करियर स्कूल समूह के चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वजातोलन किया। इसके बाद स्कूल के स्पोर्ट कैप्टन के नेतृत्व में ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ब्लू हाउस के बच्चों ने अनुशासित मार्च पास्ट किया और राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी। सलामी परेड के बाद भारत माता के अमीर शहीदों को स्लोगन से सारा वातावरण गुंजायमान हो गया था तथा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। इस अवसर पर सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लावण्या सोनी और अनुष्का सेठ ने इंग्लिश में स्पीच दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी थी नन्हे मुन्ने बच्चों का समूह गीत एलकेजी और यूकेजी के बच्चों ने बड़े ही उत्साह से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में देशभक्ति से ओतप्रोत समूह गीत नृत्य नाटिका कक्षा 1 से 3 के बच्चों ने भावपूर्ण प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की अगली कड़ी थी सबसे ऊंचा विजय पताका, जिसे कक्षा 3 के बच्चों ने बड़े ही जोश के साथ प्रस्तुत किया। अंतर जिला कराटे के अंतर्गत कराटे प्रतियोगिता में केयर एंड करियर स्कूल मंडवाड़ी ब्रांच के 7 खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट शौर्य प्रदर्शन से 7 मेडल जीते। आज उन्हीं 7 खिलाड़ियों को इस गौरव के लिए सम्मानित किया गया। स्कूल में आयोजित इंडिपेंडेंस डे एक्टिविटीज़ के अंतर्गत ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें कक्षा 1 से 3 के बच्चों ने भाग लिया, क्विज कॉम्पिटिशन जिसमें कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों ने भाग लिया तथा डिबेट कॉम्पिटिशन इंग्लिश और हिंदी में कराया गया, जिसमें कक्षा 9 एवं 10 के बच्चों ने भाग लिया। इन प्रतिभागियों को स्कूल समूह के डायरेक्टर अंकित मिश्रा ने प्राइज देकर इनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी थी एरोबिक पर आधारित पिरामिड का प्रदर्शन, जो अत्यंत आकर्षक और दिल को छू लेने वाला था, जिसे बच्चों ने सहज व सुंदर रूप से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल समूह के चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम आज़ादी का अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं। इस आज़ादी के लिए अनेकों ज्ञात अज्ञात वीर सपूतों ने अपने को बलिदान किया ताकि हम आज़ाद देश में सांस ले सकें। केयर एंड करियर स्कूल के प्रधानाचार्य अरुंधति मिश्रा ने कहा कि यह राष्ट्रीय पर्व उन शहीदों की याद दिलाता है। केयर एंड करियर स्कूल समूह के डायरेक्टर अंकित मिश्रा ने कहा कि हम आज़ादी का 78वां अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं। हम जहाँ कहीं भी हों, अपने कर्तव्यों का पालन सही अर्थों में व देश हित में करना चाहिए। इस अवसर पर केयर एंड करियर स्कूल समूह के डायरेक्टर केशकी मिश्रा ने कहा कि आज हमारा नया भारत हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। युवा भारत शौर्य गति व शक्ति को साकार कर रहा है। आइए हम इसे सशक्त, समृद्ध, विकसित देश बनाने में हर संभव प्रयास करें। सभी कार्यक्रम का संयोजन व परिकल्पना मंडवाड़ी शाखा की कोऑर्डिनेटर प्रतिका शर्मा
व सुनीता कुशवाहा तथा इलेक्ट्रॉनिक वाद्य संयंत्र का संयोजन द्विजेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने किया। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं,
सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को, काशीवासियों को, अपने सभी अभिभावकों को, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जो इस साल की थीम हुई है कि एक विकसित भारत की थीम पे लेके हम लोग चल रहे हैं, 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे जाने जाए, तो आप सभी से आह्वान करूंगा कि इस थीम को सही रूप देने के लिए हम सभी को अपना तन मन धन लगाना होगा देश के लिए, और तभी हम 2047 में जब 100 साल पूरे करेंगे तो सही मायने में हम एक आजाद विकसित भारत बना पाएंगे। आज हमारे स्कूल की सभी शाखाओं में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें कि पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, डांस और स्पीच और विभिन्न परेड, ये सभी कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया और उनकी शहादत को सम्मान दिया गया, और ये भी संकल्प लिया गया कि जैसा मैंने आपसे कहा कि आगे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका जो योगदान है उसको भी याद किया गया कि आगे हम कैसे इसको बढ़ाएं। धन्यवाद। रंगारंग कार्यक्रमों के बीच नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुस्वाही में बच्चों के द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हर्षोल्लास के बीच फहराया गया। बच्चों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के बारे में स्कूल प्रबंधन से जुड़े सदस्यों ने विस्तार से बताया। स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ. ब्रह्मदेव सिंह के कर कमलों द्वारा, विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉ. दिवाकर राय तथा समन्वय के वर्मा की उपस्थिति में मां भारती के प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन, पुष्प अर्पण तथा ध्वजारोहण के साथ किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात सभी ने तिरंगे को सलामी दी तथा जोश के साथ भारत के महापुरुषों तथा वीर सपूतों को याद करते हुए नारे लगाए। इसके बाद विद्यालय परिसर स्थित सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने वंदे मातरम नृत्य प्रस्तुति से झंडे को सम्मान दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. दिवाकर राय ने स्वागत संबोधन में स्वतंत्रता के वास्तविक मूल्यों को परिचित कराते हुए विद्यार्थियों में देशभक्ति तथा समाज विकास की भावनाओं को विकसित करने के महत्व को अवलोकित किया। प्रबंधक राजेश कुमार राय ने बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व को बताते हुए उनसे देश की, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कार्य करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि ने बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा करते हुए स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को याद किया और देश तथा समाज के विकास के मूल मंत्रों को उजागर करते हुए अपने विचार रखे और विद्यालय के अनुशासनात्मक वातावरण को भी सराहा। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में नृत्य, गायन, भाषण तथा कविता की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन समन्वयक ए.के. वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका शेफाली तथा छात्रा नैना सोनाक्षी ने किया। Thank you.
मुझसे कुछ नहीं, नवनीता पुअर पब्लिक स्कूल में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर यहाँ का कार्यक्रम अभी तक जो हुआ है बहुत ही दिव्य अनुभूत दे रहा है। वास्तव में जो कुछ मैंने आज के बारे में विचार किया था, सोचा था, वो तो अभी तक हो चुका। बच्चों के विचार में, दिवाकर जी के विचार में वो सब आ चुका है। आगे जो आएगा वो भी प्रेरणा का स्रोत होगा। आगे इस उत्साह और उल्लास के अवसर पर दिवाकर जी ने जो एक बात कही, वही मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जब आप स्वतंत्रता दिवस की खुशी मना रहे हैं तो सावधान भी रहिए कि इस खुशी के चारों ओर कुछ ऐसे बादल उठ रहे हैं जो अभी तो दूर दिखाई देते हैं लेकिन शायद हवा का झोंका उनके उनको आपके पास तक ले आ सके। चैनल के माध्यम से आदिवासियों मैं सभी देशवासियों को, इस स्कूल के सभी छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को, यहाँ के प्रबंधन को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है जो बच्चों के लिए मार्गदर्शक साबित होंगे। धन्यवाद। नवनीता कुंवर ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से हमारे समस्त काशीवासियों को, विद्यालय के समस्त कर्मचारियों को, विद्यार्थियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देता हूँ। आज श्री ब्रह्मदेव सिंह जी, क्योंकि एक्स एक्टर है बीएचयू के, ये हमारे विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। उन्होंने यहाँ आने के बाद हम सभी ने मिलकर माँ भारती के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित किया। तत्पश्चात ध्वजारोहण किया गया, राष्ट्रगान हुए, इसके बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, बच्चों को मिठाइयां बांटी गई और मैं अपने समस्त काशीवासियों को यह कहना चाहता हूँ कि हम कभी परतंत्र थे ही नहीं, हमारी विचारधारा परतंत्र हो चुकी थी। हमें फिर से अखंड भारत बनाना है। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। सन फॉर द नेशन। जय हिंद, जय भारत। बसंत पब्लिक स्कूल में समारोह पूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। विद्यार्थियों ने कई देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पिशाच मोचन स्थित बसंत पब्लिक स्कूल में 78वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रबंधक लालजी यादव, निदेशक करुणा यादव ने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बाल कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। समस्त कार्यक्रम विद्यालय की प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाओं के निर्देशन में तैयार कराया गया। इसमें विशेष रूप से सीमा पांडे, सुनैना विश्वकर्मा, महिमा दवे, अर्चिता शुक्ला एवं हिमांशु गुप्ता व कौशिक चतुर्वेदी की विशेष भूमिका रही। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल कुमार उपाध्याय ने सभी छात्रों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में बताया और धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के अंत में निदेशक करुणा यादव ने कार्यक्रमों की सराहना करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर श्रीकांत यादव सहित समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं व विद्यार्थी उपस्थित रहे। Thank you.
यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। श्री महाकाल इंटरप्राइजेज वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तेलियाबा विशाल खेल मैदान में पहली बार विभिन्न देशों की विख्यात समुद्री मछलियों का वातानुकूलित फिश टर्नल एवं राष्ट्रीय सावन मेला। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तेलियाबाग स्थित विशाल खेल मैदान में श्री महाकाल इंटरप्राइजेज के तत्वाधान में वाराणसी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में पहली बार विभिन्न देशों की विख्यात समुद्री मछलियां पूरी तरह वातानुकूलित फिश टनल मछलियों का संग्रह देखने को मिलेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सावन मेले में देश के विभिन्न प्रकार की आकर्षक दुर्लभ मनोहारी कलाकृतियों के स्टॉल, बंबई की मशहूर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियां, राजस्थान की कुर्तियां, कानपुर की लेदर पर्स बैग, गुजरात का आकर्षक घर संसार, बुलंदशहर की मशहूर क्रॉकरी, भदोई का कालीन, सहारनपुर के लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर के अलावा एक ही छत के नीचे किचन के सामान व बच्चों के खिलौनों की रंगीन व मनमोहक खिलौनों के 100 स्टॉल लगाए गए हैं। मनोरंजन के लिए देशी विदेशी से आया है जर्मनी रैम्बो झूला, जो जमीन से उड़कर आसमान की ओर उड़ने वाला। टोरा टोरा झूला, स्केटिंग कार, भूत बंगला, ऑक्टोपस झूला, सलम्बो झूला, कोलंबस नौका, डांस झूला, बच्चों के लिए आकर्षक व मनमोहन जापानी चिल्ड्रेन पार्क में आए खाने के लिए विभिन्न प्रकार से व्यंजन की उपलब्ध है। सावन मेला प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक आपकी सेवा में। के बाद आपका स्वागत है। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस सेंटर कॉलेज में देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। सूरजकुंड नई सड़क स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस इंटर कॉलेज में देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे जोश उत्साह एवं श्रद्धा के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी व प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात पूरे विद्यालय परिसर में राष्ट्रगान के स्वर गूंज उठे, फिर जोरदार देशभक्ति पूर्ण नारे लगाए गए। बच्चों ने मार्च पास्ट व पीटी का प्रदर्शन कर झंडे को सलामी दी। इसके पश्चात प्रधानाचार्य रघुनंदन तिवारी व प्रबंधक तृप्ति तिवारी व विद्यालय के समस्त पदासीन सदस्यों ने माँ सरस्वती व देशभक्ति के चित्र पर माल्यार्पण किया और विद्यालय के संस्थापक की प्रतिमा एवं विद्यालय की पूर्व अध्यक्ष के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात विद्यालय के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने स्वतंत्रता दिवस की ऐतिहासिकता बताते हुए सभी को बधाई दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के कोऑर्डिनेटर राम श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। मत करिए, आए बताइए बेकार। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ों के गर्भ गंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, शुभ नामे जागे, शुभ आशीष मांगे।
प्रिंसिपल पांडे। इस स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल ने यह निर्णय लिया है कि वे बच्चे जो कक्षा 10 की परीक्षा अगले साल देंगे, अगर 80% से ऊपर लेके आते हैं तो उनकी आधी फीस कर दी जाएगी। अगर फीस 2800 है तो सिर्फ 1400 रुपये महीना उनको देना होगा। ये सिर्फ क्लास 10th में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी जगह से आए, उनके पास अगर 80% से ऊपर लग जाते हैं तो हमारे यहाँ उनकी आधी फीस लगेगी। चाहे किसी भी स्कूल से आए, चाहे मेरे यहाँ स्कूल के बच्चे भी अगर 80% से जितने बच्चे ऊपर लेके आएंगे उनकी फीस आधी कर दी जाएगी। ये सिर्फ क्लास 11 के लिए। और सभी से यह आग्रह है कि हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें, कायम रखें। हमें स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल से मिली, 78 साल होने के बाद भी अगर हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं। और इसको बरकरार रखने के लिए हमारी शिक्षा दीक्षा सब अच्छी होनी चाहिए, अपने आप को मजबूत रखना चाहिए और हम इस स्वतंत्रता को उन शहीदों के नमन करते हैं जिनकी प्रयास से ये आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। श्री काशी विद्या मंदिर के प्रांगण में 78वां स्वतंत्रता दिवस मना। श्री काशी विद्या मंदिर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के प्रबंधक रामचरण यादव, प्रधानाचार्य किरण यादव ने झंडोत्तोलन कर स्वतंत्रता के दिन को बड़े ही विस्तार से छात्र छात्राओं को बताया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने विभिन्न देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति से सबका मन मोहा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदीप मेहरोत्रा, सामाजिक कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। इस देश के लिए हर एक सुधाकर महिला पीजी कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान में सुधाकर महिला पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रभु नारायण दुबे ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करते हुए कहा कि ये दिन हमें हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है, इसलिए भारत को विकसित राज्य बनाने में सभी को अपना योगदान देना चाहिए। महाविद्यालय के समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार पांडे ने कहा कि हम सभी अपनी स्वतंत्रता का आनंद लें और एक उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करें। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संदीप कुमार वर्मा ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम से स्वतंत्रता दिवस को और खूबसूरत बना दिया।
इस अवसर पर छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उप प्राचार्य डॉक्टर रमा दुबे, निदेशक आशीर्वाद दुबे, आयुष्मान दुबे एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर सरोज सिंह और छात्राओं की ओर से इंटरमीडिएट की छात्रा निशिता और समृद्धि ने किया। भारत देश के समस्त नागरिकों को इस 87वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर नगरवासियों और देशवासियों को मेरी ओर से एक संदेश देना चाहूँगा कि धैर्य के साथ अनुशासित रहकर इस भारत में समस्त नागरिकों के हित का ध्यान रखते हुए कार्य करें और स्वतंत्रता का अर्थ इस रूप में लेना है कि हम अपने बनाए गए संविधान और नियमों से अपने को आबद्ध करते हुए अनुशासित रहकर इस देश में सम्मानपूर्वक पूर्ण नैतिकता के साथ अपना जीवन और अपनों का जीवन अच्छे से अच्छा जीने का प्रयास करेंगे और इस राष्ट्र को विश्व पटल पर सर्वोच्च स्थान दिलाने में अपनी भागीदारी निभाएंगे। जय भारत, जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के 78वें सोपान में हम लोग विकास करते हुए देश प्रदेश चहुमुखी विकास को अंजाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग आपस में एक संकल्प लें कि भारत देश विकसित देशों की तरह अग्रसर हो रहा है। हम जो विकास करते आए हैं और जो विकास कर रहे हैं, आपसी भाईचारा, सहयोग, आत्मीयता, कंधे से कंधा मिला के जैसे हम लोग चल रहे हैं, इसी भाव के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें। हम लोग विश्व को एक ऐसे विकसित स्वरूप का मॉडल प्रस्तुत करेंगे कि लोगों में लगे कि हम आपस में एक हैं, एक थे, एक रहेंगे और सहिष्णुता भाईचारा के साथ हम इस आधार पर विकास करेंगे। पूरे संस्था की तरफ से व्यक्तिगत रूप से पुनः आप सबको ढेर शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना, बधाई देते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वर सभी लोग प्रसन्न और आनंदित रहें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया।
नवादा सुंदरपुर स्थित भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में स्वतंत्रता दिवस समारोह उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक एसके भाटिया और उपस्थित अतिथियों ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद पूरा विद्यालय प्रांगण राष्ट्रगान से गूंज उठा। सभी ने वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष किया। विद्यालय के निदेशक ने बच्चों को संबोधित करते हुए देश की आज़ादी में शहीद हुए वीर सपूतों के विषय में बताया और कहा कि देश के वीर सपूतों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, हम सभी उन्हें नमन करते हैं। इस मौके पर विद्यालय के बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर देशभक्ति की भावना को व्यक्त किया। समारोह में विद्यालय के सभी सदस्य व विद्यार्थी उपस्थित रहे। Gracias.
एलजी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने विविध कार्यक्रमों के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाया। देश की आजादी का जश्न एलजी पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय प्रांगण में ध्वज फहराया गया। इसके बाद सभी ने ध्वज को सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाया। विद्यालय के फाउंडर सतीश कुमार पांडे ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति से ओत प्रोत कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अगस्त 2024 78वें स्वतंत्रता दिवस की विद्यालय परिवार की तरफ से काशीवासियों एवं देशवासियों को हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं। विद्यालय का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास, शिक्षा के साथ साथ उनमें ज्ञान की समाविष्टि, ताकि वो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त करके एक ज्ञान के साथ जो है किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में वो जाए तो उनको अपने ज्ञान के बल पर, शिक्षा के बल पर वो राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा दे सकें, यही विद्यालय का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। काली सेना द्वारा ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। काली सेना द्वारा सदलपुर में कालीचरण इंटर कॉलेज के समीप ध्वजारोहण का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। संप्रभुता, अखंडता एवं एकता का संदेश देते हुए वंदे मातरम का गगनभेदी उद्घोष किया गया। तत्पश्चात मिष्ठान वितरण एवं भोजन वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र के लगभग 50 से 60 लोग सम्मिलित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस की महिला जिला सचिव तारा पाल सम्मिलित हुईं। इसके अलावा धीरज कुमार व अखिलेश सिंह, अभिषेक दुबे आदि लोगों ने कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। आज किस तरह कार्यक्रम कहां पे हुआ? आज रोनिया क्षेत्र स्थित सदलपुर में मेरे निज आवास पे ध्वजारोहण एवं जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं में खाने और जूस की सामग्री वितरित की गई। इसका उद्देश्य यह रहा है? इसका उद्देश्य ये रहा कि जन जन में हम लोग देशभक्त की भावना को उत्पन्न करना चाहते हैं और जरूरतमंद बच्चे जो शिक्षा के अभाव में रह रहे हैं उनको शिक्षा प्रदान किया जाए, अच्छा भोजन और अच्छी सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए। लगभग कितने लोग रहे? कार्यक्रम में मौजूद करीब 55 से 60 लोगों की संख्या रही। मुख्य अतिथि जी, मुख्य अतिथि श्रीमती तारा पाल जी रही, जो कांग्रेस में महिला जिला महासचिव के दायित्व है उनका। नासिरपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में ध्वजारोहण कर बच्चों में मिष्ठान वितरित किया गया। नासिरपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर वार्ड नंबर 33 के पार्षद श्याम भूषण शर्मा के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद कंपोजिट विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। तत्पश्चात मिठाई व प्रसाद का वितरण हुआ। इस मौके पर क्षेत्र के अनिल सिंह, सुरेंद्र प्रजापति आदि गणमान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। Yeah.
आजादी के महापर्व पे आज अपने वार्ड के कंपोजिट विद्यालय नासिरपुर में झंडारोहण किया गया प्रधानाचार्य महोदया के साथ। बाकी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, वार्डवासियों को, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई सभी को। आप क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी हैं, आज काफी व्यस्त शेड्यूल होगा। मैं अपने कार्यालय पे झंडारोहण किया, दूसरी बार यहाँ पे आया हूँ। अभी आदित्यनगर प्राथमिक विद्यालय पे जाना है, प्रधानाचार्य महोदया ने आमंत्रित किया है। उसके बाद एक प्राइवेट विद्यालय है यहाँ पे, लिटिल मिलेनियम स्कूल, उन लोगों ने भी आमंत्रित किया है। ऐसे ही दिन भर, उसके बाद 11 बजे लोकसभा वाराणसी का ये कार्यक्रम है, हम लोगों का रैली निकाला जाएगा लोकसभा स्तर पे। 11 बजे से टाइमिंग है लोहराबीर विद्यापीठ से लोहराबीर तौर तक, सरदार पटेल की मूर्ति से चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति तक हम लोग सभी जाएंगे, लगभग 25,000 लोग। दिन भर का यही कार्यक्रम। रैली का उद्देश्य सामाजिक समरसता और सब लोग मिलजुल के एकजुट रहे। हाँ, थोड़ी देशभक्ति और जगह, थोड़ी कमी दिख रही थी तो और जगह इसलिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फहराया 100 फीट ऊंचा झंडा, शहर में निकली विशाल तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस पर मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी ने किया ध्वजारोहण, पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। सावन के चौथे गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप में सजी झांकी। और शहर की अग्रणी शिक्षण संस्थाओं में हर्षोल्लास के साथ मना स्वतंत्रता दिवस समारोह। आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।